केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी आज अमृतसर पहुंची। यहां उन्होंने श्री हरिमंदर साहब में माथा टेका और उसके बाद स्थानक सर्किट हाउस में उन्होंने बेटियों और गर्भवती औरतों साथ ही बच्चों की बनाई गई योजना के बारे में जानकारी दी। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 47% गर्भवती औरतों को आहार की कमी है और घरों से भागे बच्चे जो कि ज्यादातर रेलवे स्टेशनों पर चले जाते हैं उनके लिए भी रेलवे से टाई अप कर योजना बनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि अत्याचार की शिकार औरतों के लिए सभी राज्यों में सुविधा केंद्र बनाए जाएंगे जहां एक छत के नीचे सभी सुविधाएं मिलेंगी। बहुत सारी योजना है, एक है जो यहाँ चल रही है अमृतसर में बेटी बचाओ, जिसमें बहुत अच्छा काम हो रहा है। एक है न्यूट्रिशन मिशन, अभी तक 47% मेल न्यूट्रिशन है इस देश में। इसका मतलब है कि ना गर्भवती को खिलाया जा रहा है और ना बच्चे का पोषण हो रहा है, तो उसको सही करने के लिए वो एक नेशनल मिशन बन रहा है अभी। फिर औरतों के लिए एक वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर कि अगर उनके साथ कोई ज़्यादती हुई तो वहाँ आ सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग हैं। बच्चों के लिए हम लोगों ने रेलवेज के साथ टाइप किया, 5 लाख बच्चे हर साल गबन होते थे, या तो गबन या तो खुद भाग जाते थे और आते हैं फिर रेलवे स्टेशनों पर। तो अब हम लोग नियुक्त कर रहे हैं, हम लोग स्टेशनों से ही उनकी व्यवस्था करेंगे।